हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय कृष्णाबाई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब सब ठीक ठाक हो गए। नहीं, ऊपर जाओ, ऊपर ही रहो। तुम कितनी मैंने चीखी, कितना चीख रही हूँ, अली 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 अली। वहाँ से भाई चीख रहे हैं, वहाँ से मैं चीख रही हूँ। तो ये है कि कैसे हैं आप सब लोग? सुबह हुई है यार हमारी 11:34 के ऊपर। नाश्ता वाश्ता बना लिया सारा मैंने। कल इतना थक गए थे ना कि टांगे ना अजीब सी दर्द हो रहा था, इतना शदीद और बहुत शदीद पेन हो रहा था। रात को 3 बज गए थे सोते होते भी। तो मैंने इस बात को कह के सोई थी कि हमें उठाना नहीं, हमें सोने देना। तो बस चाहे नाश्ता करते हैं, फिर आज की जो रूटीन होगी वो दिखाते हैं, क्योंकि बाजी आई थी सुबह, बोल की गई हैं कि फरी की तबीयत ख़राब है, देखते हैं क्या करना है, अल्लाह मालिक है। फटाफट से नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ सफाई और खाने के साथ। हाँ जी यार, पगिया कौन है? रखे रखे पगिया ऐसे कैसे? अभी तो मैंने चेक करा था, नहीं पका था। जब ये अली शरीफा तोड़ के लाया था फिर ट्यूशन से ना, कच्चा था, इसको हमने दबाया भी नहीं और ये पक गया। आप खाए, मैं दिन जा रहा अभी। गर्मी से रोटी पकाई है ना, अभी गर्मी बहुत लग रही है, गर्मी इतनी शदीद हो रही है, ऐसी चल रहा है। उसके बाद भी ना टेम्परेचर पता ही नहीं चल रहा है कमरे में है कि नहीं है, ये मसला हो रहा है यार। बहुत टेंशन हो रही है, सर में अजीब सा दर्द हो रहा है यार। रात के कुछ खास इतना आज व्लॉग नहीं होगा, पहले बता रही हूँ आप लोगों को मैं, क्योंकि गर्मी इतनी है आज कहीं जाने का मूड नहीं है। बल्कि जो कल कल शॉपिंग करी है वो खपाने का मूड है कि कहाँ खपाने, क्योंकि कमरा छोटा है, अलमारी छोटी पड़ रही फैमिली के हिसाब से। हाय, बस मियाँ जी से बोल बोल के थक गए हैं कि तब्दील कर लें, तब्दीली लें, तब्दीली लें, कि वो तब्दीली लेके नहीं आ रहे मेरी ज़िंदगी में। आप सब दुआ करो कि अल्लाह करे मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आ जाए, फिर देखते हैं क्या करते हैं अल्लाह मालिक है। बाकी जो हमारे कपड़े आए थे कल, वो भी अभी ऐसी कैसी अलमारी में ही रख दिया हम लोगों ने, कोई प्लानिंग नहीं करी। अभी टेलर के लिए कपड़े निकाले हैं, टेलर के पास जाने कपड़े स्टिच करवाने, मर्दाने कपड़े देने हम लोगों को ब्लैक। तो देखो क्या क्या होता है, बहुत टेंशन है। बाकी मीरा पढ़ ली है, उसका पेपर है कल, सेकंड सेकंड है ना, थर्ड थर्ड पेपर है मीरा का कल, वो पढ़ रही है बैठी हुई इस वक्त। सारे काम मैंने खुद करे, लोबे की मैं पका लिया, रोटियां बना ली, बर्तन धो लिए हैं, सफाई भी कर ली थी। अल्लाह अकबर, बहुत गर्मी है आज। सारी अपडेट चलाई है माल की मैंने, जितना ही माल था। आप सब दुआ करना, अल्लाह करे बिक जाए माल, बिल्कुल भी नहीं बिक रहा, बहुत स्लो हुआ हुआ काम इस वक्त, काम ही नहीं है समझ लो, स्लो तो नहीं, बहुत ही बस ऐसा किसी ने सिफली करवा दिया हमारे मुल्क के ऊपर, कुछ इस तरह से चल रहा है हाल। बाकी ये कि मिलते हैं इंशाल्लाह, देखते हैं क्या करना है। अच्छा तो यार निकलते हैं टेलर के लिए, आज टाइम मिल ही गया फाइनली हमें टेलर पर जाने के। टेलर के पास जाकर सारे मर्दाने कपड़े आदमी इस चीज़ को देकर आ रही हूँ, फिर देखते हैं क्या। तो चलो मिलते हैं टेलर के पास। हम आ चुके हैं टेलर के पास, सबके साथ मौजूद हैं, और यहाँ पे हमारे टेलर अंकल ही आए हुए हैं। उन्होंने कहा 10 मिनट वेट करो, फिर मैं आ रहा। डोंट टच माय मोबाइल, नो नो। ये देखिए बदतमीज बच्चा ने मेरे साथ आया, ये गंदा बच्चा। हमारे कपड़े सारे ये रखे हुए हैं, बेटे रंग कराने वाले हैं तो वो आते हैं तो हम निकलते हैं। ये हम कड़े में इस वक्त रोट प्यार पार, ठीक है, देखते हैं क्या होता है, कब तक वेट करना पड़ेगा। वेट इज वेट, वेट वेट वेट। अली गिरेगा नहीं, मैं पकड़ लिया। अंकल आ गए हमारे टेलर अंकल, चाह रही थी 10 मिनट वेट करवाने के बाद पूरे आइए, आपका इंतज़ार था। आ गए अंकल, ये साइज दिए जा रहे हैं। नहीं, पजामे पजामे अंकल, इन लोगों के देखिए क्या तंग कर रहा है, इसको लेकर आ गए हम अपने साथ। ओए पाँव मटका हुआ इसके शॉपर। ये अब अली का नाप जा रहा है हमारे, पर अंकल ने कहा है कि अली अभी तो बड़ा नहीं हुआ, अली उतने का उतना है। हमारे यहाँ भी बेइज्जती है, डॉक्टर ने भी की थी हमारे यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे भी। हाँ घुटनों तक हो इनका तो। और सेम यही नाप ना उस सूट का कर देगा, जे डॉट के सूट का, ताकि एक जैसे हो जाए वो भी। तो गाइस मैं टेलर के पास आई ना, तो घर में आई थोड़ी देर में, इतना शदीद बुखार चढ़ गया
अल्लाह अकबर। अभी दवाई खाई है मेरे में, कितने मेरे पाँव दबाए थोड़ा बहुत सुकून मिला है, लेकिन तबीयत भी ख़राब हो गई है, बुखार भी चढ़ गया, ऊपर होगा मेरा तो देखो अब क्या होता है, अल्लाह मालिक है। बहुत जिसम पूरा ऐसा हो रहा है, टूट रहा है, इतना शदीद पेन। दवाई खा लिया, अब ये कि पसीना पसीना हो रही है तो बुखार नहीं उतरता, हमारी हालत हो रही है, लेकिन तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रही, गले में भी दर्द हो गया, यानी क्या क्या हो रहा है, देखते हैं क्या होता है, अल्लाह मालिक। तो हेलो गाइस, मेरी मम्मा की तबीयत आज बहुत ख़राब है, मम्मा बेड पे लेटी हैं, ये देखिए मेरे गाइस, मम्मा हेलो बोलें गाइस को, कैसी हैं आप? नहीं बहुत दर्द हो रहा है शदीद वाला, एकदम से बुखार चढ़ा है, टेलर के पास से आई हूँ, बुखार इतना तेज़ हो गया कि बहुत दर्द है पैरों में, हड्डियों में, खतरनाक वाला दर्द हो गया, पता लग गया दुश्मन को भी ना। अभी भी वाहिद आए, कहाँ से आए पापा, कहाँ गए हुए थे? कार मार्केट। उनको भी शदीद इतना पेन हो रहा है, मुझे नहीं लगता आज का व्लॉग अपलोड हो पाएगा क्योंकि सर में इतना दर्द है। अच्छा दवाई खाई है, पसीने ऐसे आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है बंदा नहाया है, इतना गीला हो रहा है, हाँ पेट बॉडी पूरी गीली हो रही है। देखो क्या होता है, एक बार मंगवाया है मैंने दूध के, देखो अभी भी गर्म हो रहा है हाथ, गैस हम देखते हैं मम्मा को, अभी यहीं बंद कर। भाई यम्मी हो रहा है, मैंने कितने सालों बाद खाया, कितने सालों बाद, बहुत मजे का लग रहा है। देखो बन दूध खाना पड़ेगा मुझे, बहुत गंदी तबीयत हो रही है, बहुत चक्कर आ रहे हैं, बॉडी पेन बहुत तेज़ है, मिलते हैं खाने के बाद। गाइस मम्मा भी खा रही है दूध बंद, देखें दूध बंद खाने को मिल रहा है, तबीयत बिल्कुल ख़राब हो रही है, बंद देखो कितना बड़ा है, खुला रहा बंद, नज़र लग गई है गाइस, और देखो क्या होता है, अल्लाह मालिक है। बस यहीं पर ही करते हैं ब्लॉग को एंड, क्योंकि हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही कंटिन्यू रखने की, वो तबीयत ख़राब हो रही है, भी अली बेचारा शूट कर रहा है बैठा हुआ, और सब दुआ में याद रखिएगा, और जाने से पहले आप सबको पता है क्या करना होता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।